ना अभी काम चल रहा है तो पीटर अन्ना उनका काम कर रहे हैं। तो आज हम लोग माली है, माली जिसमें मैं ब्रिगेडियर के अंडर ट्रेन हुआ हूँ, पैरा कमांडर्स के साथ में ट्रेनिंग किया हूँ। हे गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सुबह के 7:30 बज गए और अल्हम्दुलिल्लाह अपना सारा काम हो गया। सारा काम इन द सेंस जो डंप करने की चीज़ें हैं वो पूरी क्लियर हो गई। अभी फटाफट हरी पत्ती डालते हैं इनको और जाते हैं बाकी के कामों में लगते हैं। इट्स 9:45 इन द मॉर्निंग, जिम जा रहा हूँ मैं। नाश्ता तो हो गया, अब जिम। जिम में आज क्या वर्कआउट करना है रुको देख के बताता हूँ। तो आज है मेरा बाइसेप्स और ट्राइसेप्स। आप लोगों में से किसी ने अभी तक वर्कआउट स्टार्ट किया है या नहीं, करो। 15 दिन तकलीफ होगी मगर उसके बाद दुआ दोगे आप मुझे। करके तो देखो, सब चीज़ तो करते हो, ये भी चीज़ इम्प्लीमेंट कर लो अपनी लाइफ में। तो चलो फटाफट मैं जाता हूँ और करता हूँ अपना बाइसेप्स और ट्राइसेप्स। 11:30 बज गए और वर्कआउट हो गया एकदम मस्त वाला। चिकन वाले को फ़ोन किया था चिकन के लिए, अभी चिकन रेडी हो गया होगा, चिकन ले लेते जाके बाहर से और जाते फटाफट खाते। मेरी एक दिन की चिकन कितनी है क्वान्टिटी? 450 ग्राम, तो ये 5 किलो है, ठीक है। तो चलो आज मैं खा रहा हूँ भुर्जी, मगर वही डाइट के स्टाइल में बनी है, खाता हूँ और मिलता हूँ। तो नाश्ता हो गया, आफ्टर वर्कआउट हो गया, और वो आफ्टर वर्कआउट हुआ है सिर्फ और सिर्फ 2 अंडों की भुर्जी। चिकन था नहीं, चिकन लेके आया मैं, तो फिर राइस बने नहीं, तो अभी राइस बनेगी तो खाएंगे थोड़ी देर में। तब तक बहुत काम है, करता हूँ। क्या हो गया तुमको, दुख रहा क्या अभी हल्का? इधर तो देखो। माई दरअसल नाश्ते नाश्ते गिर गई तो थोड़ा सा मार लगा है, तो हो जाएगा इंशाल्लाह ठीक। अभी ये मार के वजह से पढ़ाई नहीं छोड़ने की, पढ़ाई करने की है, ठीक है। दिस इज व्हाट स्टडी टाइम, सो यू हैव टू स्टडी। चलो बहुत काम है आज, कुछ रिनोवेशन करना है गोट रूम में और कुछ घर का भी काम है, तो चलो चलते हैं। तो देखो जा रहा था मैं, यहाँ पे भी काम चल रहा है तो पीटर अन्ना उनका काम कर रहे हैं। जब तक मैं सामान लेके, तो फिर वहाँ पीटर अन्ना घर के पास चलेंगे काम करने का। तो कुछ सामान लेने आया हूँ मैं, ये भी एक शौक है मेरा,
ये अभी फटाफट से लेके जाएंगे और घर पे लगाएंगे। दिखा तो कहाँ लगाना है, आ गया तू, आजा आजा आजा, ये सब जानने वाले ही अपने। जिसमें प्लांट लगाने हैं वो तो ले लिए, मगर प्लांट कौन से लगाने हैं अभी वो भाई जो है वो सजेस्ट करेंगे और ले लेंगे हम लोग यहाँ से। अभी तो देखो अपनी शॉपिंग हो गई, पूरी गाड़ी लोड हो गई है, चलो फटाफट जाते हैं घर पर। ये देखो आते आते दो बार गिर गया हो, फटाफट से इसको करते, पहले तो थोड़ा खाते यार, दो अंडे में तो कुछ होता भी नहीं है मेरा, वो भी आफ्टर वर्कआउट, थोड़ा खाता और फिर आता हूँ। तुम्हारा काम कहाँ तक आया, शाम तक हो जाएगा तुम्हारा? चलो ये बस रिन्यूवेशन का काम ही चल रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं चलने वाला। देखे झाड़, तो यहाँ पे काम हो गया शुरू और आज हम लोग माली है, फूलों का काम कर रहे हैं। और उस दिन जो लास्ट टाइम मैंने जो बाल्टियाँ बनाई थी झाड़ शिफ्ट करने के लिए, वो टाइम पे बाल्टी में डालने के लिए मिट्टी नहीं थी, तो मैंने मिट्टी भी लाया आज, तो वही झाड़ का काम कर रहे हैं सबसे पहले। लकी भी आ गया, लकी मेन काम करने के टाइम पर ही आ जाता है और मेरी हेल्प हो जाती है। इतना मत कर, बहुत हो गया, चलो फटाफट करते हैं, फिर मिलता हूँ आपसे। देखो काम हो गया अपना फ्लावर्स वाला, जो गमले लाए थे उसमें सब सारे के सारे फ्लावर्स हो गए, अभी सिर्फ इनको प्लेस करना है जहाँ पे लगाना है। तुम जब तक स्टडी कर रहे थे देखो मैंने क्या करा, मस्त ना। चलो लगाते हैं इनको अपनी जगह पर, मस्त। देखो यहाँ पे लग गए अपने, जो मैंने पॉट्स लाए थे वो मैंने प्लेस कर दिया अच्छे से। देखो अपना मनी प्लांट, इसी पे से रोज सवेरे उठ के मैं पैसे तोड़ता हूँ। मस्त जोक मारा रे। दोपहर के 3:30 बज गए और सवेरे से जो काम चल रहा है वो अभी तक चल ही रहा है। ये देखो नया, अरे माही तुम घुस गए, तुम तो घुस गए माही। हाँ, घुस गई। सिर्फ काम ही काम चल रहा है आज सारा दिन, ये रिनोवेशन में ही जा रहा है पूरा, देखते कब तक होता है। मुझे भी जाना है वही एक्शन वाली दुनिया में, जस्ट कॉल आया था। अब देखो ये अभी एक कंपार्टमेंट, यहाँ पे पहले नूरा अकेला था तो अभी एक कंपार्टमेंट बन गया इसमें, अभी दो बकरे रह गए यहाँ पर। पहले भी थे यहाँ पे ऐसे दो कंपार्टमेंट, मगर गेट नहीं था उसको अलग से, तो अभी बाहर से गेट, वो तरफ से गेट बन रहा है। धीरे धीरे चलते जाएगा, जो जो दिमाग में आते जाएगा, मैंने बोला था ना मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, तो जो चल रहा है वो दिखा रहा हूँ आप लोगों को। फोटो व्लॉग्स में आपका स्वागत है। लास्ट शॉट मैंने लिया और उसके बाद मैं जो सोया हूँ वो उठा मैं 5:15 बजे, फिर फ़ोन आया कि आ जाओ, कहाँ जा रहा हूँ मैं, समझ जाइए। मुझ में एक आदत है, जब तक मुझे कोई काम नहीं होता है ना तो मैं घर से बाहर नहीं निकलता हूँ। इसके लिए आप लोगों को ज़्यादातर की मेरी वीडियो अगर आप लोग देख रहे हो तो आप लोगों को वो बोर्ड रूम में घर में ऐसे जगह ही दिखेगी। तो जब तक मुझे कोई काम होता नहीं है मैं घर से निकलता नहीं हूँ, और मुझे बहुत कम काम होते हैं क्योंकि मेरे सारे काम फ़ोन पर ही हो जाते हैं। वो वजह से आप लोगों को ज़्यादातर मेरे वीडियोस जो है वो गोट रूम के एतराफ में मिलते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ एक्शन वाली दुनिया के शाविलान, शायद आज काम हो जाए अपना, और काम हो गया तो बहुत मज़ा आ जाएगी। और आते आते मैं सोच रहा हूँ दूसरे जगह पर भी जाके आऊँ, वहाँ पर भी कुछ काम है, क्योंकि जब तक जाएंगे नहीं जब तक होगा नहीं। और ये अब हम आ गए कोरेगांव पार्क, जहाँ से कल हम रात में गुजरे थे। आप बहुत लोग इंस्टाग्राम पर DM में आते हो और वीडियोस के कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करते हो कि ये एक्शन वाली दुनिया क्या है। तो ये एक्शन वाली दुनिया जो है ये थोड़ी टेढ़ी दुनिया है, मैंने पहले भी बताया है आपको। मैंने एक वीडियो बनाया था, मेरा शायद वो 4th या 5th वीडियो ही रहेगा। मैंने उसमें बताया था कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, और वो वीडियो का नाम है मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी।
मैं आप लोगों को वो वीडियो ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, देख लेना वो वीडियो, उसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैं क्या करता हूँ। ये मेरा बिजनेस है, ये जो मैं करता हूँ, जिसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, और ये एक अच्छे स्केल पे है मेरा बिजनेस, जो पिछले 1.5 साल से बंद है, अब कहीं जाकर शुरू होने जा रहा है। तो चलो, जहाँ पर चलो नहीं तो सुनो और देखो, जहाँ पर मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ 2 दिन से, मैं सारी चीज़ों के अपडेट मैं इंस्टाग्राम पर स्टोरी पर डाल रहा हूँ, और वो स्टोरी भी मैं ज़्यादा देर तक नहीं रखता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। तो अगर अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जाकर इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर दो, वहाँ पर एक अलग मज़ा है। और ये फ्राइडे सैटरडे से तो 100% मुझे घर के बाहर जाना ही पड़ेगा, तो देखते हैं और दिखाते हैं। तो चलो, देखो और सुनो, और मैं करता हूँ अपना काम। अभी आगे लेफ्ट साइड से जो क्लब स्टार्ट होते हैं ना, वो मतलब समझ जाओ कि कहाँ तक होते हैं, मैं खुद भी नहीं जानता कि कितने क्लब है यहाँ पर। मुझे ये रूट पर अप डाउन करते हुए मुझे कुछ 18-19 साल हो रहे हैं। यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक 5-स्टार होटल है, जो मैंने कल भी दिखाया था, मैं दिखाता हूँ एक बार आप लोगों को। ये है वो होटल। यहाँ पर मैंने अपनी ज़िंदगी के 3-2.5 साल दिए, जिसमें मैं ब्रिगेडियर के अंडर ट्रेन हुआ हूँ, पैरा कमांडर्स के साथ में ट्रेनिंग किया हूँ, और जो 26/11 में जो पैरा कमांडर्स ओबेराय होटल के ऊपर चॉपर से उतरे थे, उन लोगों के साथ काम किया हूँ मैंने यहाँ पर। मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस बहुत ख़तरनाक है, धीरे धीरे पता चलेगा आप लोगों को। ये है एक्शन वाली दुनिया, और यहाँ पे होता है बस एक्शन ही एक्शन। यहाँ पे 3-4 जगह पर अपना काम चलता है, और आई बिलीव इन क्वालिटी नॉट इन क्वान्टिटी। और आप लोगों को पता चल जाएगा, आप लोग जाओ इंस्टाग्राम पर, मेरे स्टोरीज का एक फोल्डर बनाया हूँ मैंने, जाकर देखो, सारा नाइट क्लब से भरा हुआ है। तो ये मैं आ गया जहाँ पर मेरा काम है, फटाफट से काम ख़त्म करता हूँ और फिर मिलता हूँ आप लोगों से, क्या पता आज भी होगा क्या नहीं। तो चलो चलते हैं, यहाँ का काम तो हो गया और हो ही गया समझो। कितने बज रहे, शाम के 6:30 बज रहे। मैं सोया कितने बजे, 4 बजे सोया था मैं, और उठा मैं 5:15 बजे। क्या प्यारी नींद आई है। तो ये जो पावर नैप होते हैं ना, एक 15 मिनट, 1 घंटा, 45 मिनट्स वाले, इसमें ना ऐसा आप लोगों को लगता है जैसे आप पूरी रात सोकर उठे हो। कभी ट्राई करना जब थक जाओगे। मुझे तो क्या, अभी मेरी डाइट शुरू है और वर्कआउट भी हैवी हो रहा है, उसके वजह से बॉडी को रेस्ट चाहिए ही चाहिए, तो वो हिसाब से मैं सो जाता हूँ, और नहीं सोने की कोशिश करूँ तो भी मुझे नींद आ जाती है। और स्पेशली जब मैं एडिटिंग करने बैठता हूँ, तब तो ऐसा लगता है कि सो ही जाओ, कुछ करूँ ही मत। पर कितनी दफ़ा तो मैंने, मतलब समझो कि एकदम नींद में हूँ और एडिटिंग कर रहा हूँ मैं। जैसे कि जो आप लोगों ने कल वीडियो देखा, तो मैंने उसको परसों रात में 4:15 बजे उठ के अपलोड किया था, क्योंकि एडिटिंग पूरी हो गई थी और मैं इतना नींद में था कि मैं अपलोड करने की ताकत ही नहीं थी मुझ में, तो मैंने वो वैसे ही रेंडर करके छोड़ दिया था। और फिर रात में 4 बजे जब मेरी नींद खुली, तो मैंने वो अपलोड किया और अपनी तहज्जुद भी पढ़ ली। चलो अभी चलते हैं घर पर, और एक जगह पर जाना था, वहाँ नहीं जाऊँगा क्योंकि वहाँ पर फ़ोन पर बात हो गई मेरी, जब से मैं यहाँ पर बैठा था जब तक वो कर लिया मैंने। जहाँ मुझे जाना था वहाँ पे जो फ़ोन पे बात तो हो गई, वहाँ नहीं जा रहा हूँ मैं, मगर एक मेन जगह पर जा रहा हूँ। जज करो आप, दिख रहा है वो स्क्रीन में, दिख रहा है एकदम क्लियर, दिख गया आपको तो वो। यार आप अंदाज़ा लगाओ कहाँ जा रहा हूँ मैं, यही सोच तो आएगा आपको ढेर सारी चीज़ें देखने के लिए, कहाँ, इंस्टाग्राम पर। चलो यहाँ पर फटाफट मैं करता हूँ ख़त्म, और फिर निकलते हैं घर पर। सारे काम हो गए यहाँ कर, यहाँ पे भी जो काम से आए थे, अभी जाते हैं घर। क्या टाइम हो रहा है, 6:45, फोन आ गया, अभी रुकना पड़ेगा। तो मैं जा रहा था घर, और फिर से मैंने मार लिया यूटर्न। जो आप सोचते हो वैसा हो हमेशा ज़रूरी नहीं है, बिकॉज़ यू आर नोबडी
to decide. The Almighty Allah is there to decide every single thing. तो अभी मैं जा रहा हूँ थोड़े काम से, एक और काम से. ये इधर आए ना तो ऐसे काम 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 ही होते. तो फटाफट ये काम निपटाता हूँ और मिलता हूँ आपको डायरेक्ट घर पर. चलो. शाम के 7:30 बज गए. मैं आया बिल्कुल मगरिब के टाइम पे, नमाज पढ़ा और अभी बैठा हूँ कुछ काम के लिए, दूसरे काम के लिए, ये व्लॉगिंग के काम के लिए नहीं, दूसरे काम के लिए. और अपना खाना खा रहा हूँ साथ में, डाइट का खाना, डाइट ऑन पॉइंट चल रही है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी वेट रिड्यूस होगा. चलो फटाफट काम करता हूँ और फिर मिलता हूँ आपको वोट रूम में कुछ ही वक्त में. 9:30 बज रहे और मैं अभी जस्ट अपना काम ख़त्म करके वाइंड अप करने आया हूँ. रोज़ का वाइंड अप का टाइम है हमारा 8 बजे का, मगर आज 2 दिन से पिछले लेट हो रहे हैं और अगले हफ्ते से शायद नहीं, यही वीकेंड से मुझे लगता है कि वाइंड अप जल्दी होगा. 7:30 बजे का वाइंड अप रखेंगे, क्योंकि मैं नहीं रहूँगा तो फिर कौन करेगा. एक बार मैं निकल जाऊँ, शुरुआत में थोड़ा जल्दी निकलूँगा घर से मैं, तो बाद में जाके अपने नॉर्मल टाइम पे सब सेट हो जाएगी चीज़ें. वाइंड अप करते फटाफट. वाइंड अप में अभी इतना खुशी हो रही है ना कि एक भी जानवर को कोई इंजेक्शन नहीं लग रही है, कुछ नहीं लग रही है. अल्हम्दुलिल्लाह जो पिछला सीज़न था मेरा, मैंने तो, मुझे तो याद नहीं है 2 साल में मैंने कब इंजेक्शन मारी थी सुल्तान को, और एक मेवाती था मेरे पास उसको. माशाल्लाह इतना अच्छा सब सेट था, अभी भी सेट हो रहा है. मैं दोपहर में जब आ रहा था जानवर सिर्फ सो रहे थे, अपनी सुस्ती निकाल रहे थे. मालवा इतना गंदा हो गया है ना, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है इधर, तो जानवरों को पसीना आ रहा है. उनको वॉश देना बहुत ज़रूरी है, कोटा को तो नहीं मगर सुल्तान को और मुफासा को वॉश देना बहुत ज़रूरी है. और ये देखो चेंजेस क्या हुए हैं यहाँ पर. ये एक और कंपार्टमेंट बन गया और वहाँ से बाहर से गेट बनेगा, तो ये भी काम गेट का रहेगा. ये भी 1-2 दिन में मैं कर लूँगा ख़त्म इसको. अभी यहाँ पे जो इसमें अभी नूरा है, यहाँ पे 2 जानवर रह गए. यहाँ पे मुफासा और नूरा रहेंगे और शायद सुल्तान यहीं पर रहेगा. सुल्तान कैसा कर रहा है, फुल ऑन मस्ती में सब जानवर, सब सेट हो गए अल्हम्दुलिल्लाह. बस तुम लोग दुआ करो. फटाफट अभी वाइंड अप करता हूँ और मिलता हूँ आपसे मैंगो रूम में. कैसा कर रहा ना? हाँ चल, के बज रहे 10 और मैं आ गया मैंगो रूम में. और जैसे कि आप लोग देख सकते हो, वो पूरा थका हुआ हूँ मैं, पूरा एग्जॉस्ट हो गया हूँ. वर्कआउट, फिर दिन में पूरा गोट रूम का काम, घर का काम, बाहर का एक्शन वाली दुनिया का काम, ये सारे काम में पूरा स्ट्रेस हो गया हूँ. ये कुछ दिन की बात है, एक बार सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी ना तो फिर सारा सही हो जाएगा. और मुझे ना एक बात करनी है आप लोगों से, आप लोगों से कुछ बोलना है मुझे, क्योंकि बहुत लोग पिछले 1 महीने में जुड़े हैं मुझसे, और उसके पहले के जो लोग जानते हैं वो तो जानते हैं, और वो लोग तो एकदम प्रॉपर देखते हैं. आज भी उनके सब कमेंट्स पढ़ता तो सारे के सारे वही लोग हैं जो चैनल मैंने स्टार्ट किया था जब के लोग हैं, उनको सबको पता है. मगर जो लोग नए जुड़े हो ना, उनको मैं बताना चाहूँगा, ये जो मेरा जो चैनल है, ये एम खान व्लॉग्स है, इसमें मैं क्या दिखाता हूँ आपको पता है. इसमें मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मैं लाइफस्टाइल व्लॉगर हूँ, मैं मेरा शौक दिखाता हूँ, मैं कैसी ज़िंदगी बसर करता हूँ, मैं कैसी ज़िंदगी मेरी बिताता हूँ, मैं वो दिखाता हूँ. अगर आप लोग हमेशा उम्मीद करोगे कि आप लोगों को नए नए जानवरों की वीडियोज़ देखने मिलेगी, या फिर हर जगह पर नए नए जगह पर मैं विज़िट करते हुए देखूँगा, वैसा बिल्कुल भी नहीं है. उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे YouTube पे चैनल है ऑलरेडी, और बड़े बड़े चैनल है. तो ये जो मेरा चैनल है, ये एक लाइफस्टाइल का चैनल है, अपनी पर्सनल व्लॉगिंग का चैनल है, मोटो व्लॉगिंग का चैनल है, और ट्रैवल चैनल है. तो ये मेरा चैनल का मकसद ये है. मैं जो ये वर्कआउट का बताता हूँ, डाइट का बताता हूँ, मैं ये सोच के बताता हूँ कि आप में से कुछ परसेंट, 1% लोग भी, अगर 1000 लोग वीडियो देख रहे थे, अगर उसमें से एक ने भी इस चीज़ पे अमल कर लिया, जैसे मैं डाइट करता हूँ, उसने भी अगर डाइट करना शुरू कर दिया या वर्कआउट करना शुरू कर दिया, तो ये मेरा जो वीडियो बनता है ना, मेरा वो वीडियो का मकसद पूरा हो गया. बस मैं यही चाहता हूँ, आप तक अच्छी चीज़ें पहुँचाऊँ, अच्छी चीज़ें डिलीवर करूँ, और बस यही बोलना था मुझे. तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं करूँगा एडिट और आप तक पहुँचाऊँगा 10:00 ये ब्लॉग. मैं सवेरे जब उठता हूँ तब से मैं व्लॉग करना स्टार्ट करता हूँ, जब तक मैं मेरा दिन नहीं ख़त्म करता हूँ. दिन ख़त्म करने के बाद मैं एडिटिंग करता हूँ, फिर वो व्लॉग को डालता हूँ यूट्यूब पे, और वो सवेरे 10 बजे तक आप लोगों को आ जाता है और आप लोग एंजॉय करते हो. तो समझ रहे हो,
कि आप में से 1% लोगों ने भी मैंने जो बताई वो चीज़ कर ली, तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो गया। तो ये व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर देना। टिल देन स्टे सेफ, पीस, हास्ता ला विस्ता, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय।